ये हाय, सभी को नमस्कार। मैं हूँ सुभाष और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब का डिवाइन परिवार चैनल को। आशा करता हूँ कि आप सारे लोग अच्छे होंगे और आपके जो दिन हैं वो अच्छे चल रहे होंगे। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ में एक नया कंटेंट शेयर करूँगा। आप सब जानते हैं इसके बारे में, अगर आप हमें या कोई भी स्पिरिचुअल चैनल को या कहीं से भी स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करना चाहते हैं तो आपको पता ही होगा कि हमारी बॉडी में कुछ चक्राज होते हैं, 7 चक्रा होते हैं जो क्राउन से लेकर और अपने नीचे एक रूट चक्रा तक की मैं बात करूंगा। तो ये चक्रा ये डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि ये सबको पता ही है चक्रा कौन सा क्या है, इसका क्या इस्तेमाल है और इसका क्या मतलब है। लेकिन यहाँ पे आज जो मैं बताने वाला हूँ, मैं टू द स्ट्रेट वीडियो के कंटेंट में आ रहा हूँ, बीच में कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, बाद में ऐड करेंगे। तो कहने का क्या मतलब है कि आज जो चक्रा की हम बात करेंगे इसको सच में इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि जितने भी पॉपुलेशन है, जितने भी लोग जानते हैं या नहीं जानते हैं वो अलग बात है, लेकिन 95% लोग ऐसे हैं जिनके चक्रा इम्बैलेंस हैं या ब्लॉक हैं और उसके पीछे वजह रहती है, रीज़न रहता है। और ये ऐसा नहीं है कोई पाप है या अपराध है, ऐसा नहीं है, ये आजकल की हमारे रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं वो इस तरह से बन गई हैं। अब जैसे देखिए, हर चीज़ में स्ट्रेस है यानी कि तनाव बना ही रहता है। आपने देखा होगा हमें रात को सोते सोते भी 2 बज जाते, 3 बज जाते, फिर सुबह जल्दी उठना पड़ता, तो नींद इनकम्प्लीट है। और इसके साथ में आपने देखा होगा ऐसी बहुत सारी एक्टिविटी हैं जो पहले हम ज़्यादा खेलते थे क्रिकेट के ग्राउंड में, यानी कि ऑफलाइन ज़्यादा चीज़ें करते थे, आजकल क्या है बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं। तो इससे एक सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होती है ये हमारे चक्राओं पर होती है, ओवरऑल पूरी बॉडी पर होती है। लेकिन बॉडी पूरी अगर मैं बात करूँ तो सब एक दूसरे से सिंक है, लिंक करके रहती है। तो जब ये पूरे चक्रा ब्लॉक हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों के ब्लॉक हो जाते हैं, इम्बैलेंस हो जाते हैं। इम्बैलेंस और ब्लॉक होने में दोनों अलग अलग चीज़ हैं, इसको भी मैं डिफाइन करने की कोशिश करूँगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति के साथ में एक चीज़ बहुत अच्छी हो रही है, मतलब उसको जो चाहिए वो करता ही जा रहा है, करता ही जा रहा है, तो देखिए वो ज़्यादा अच्छाई भी इम्बैलेंस का कारक बनती है, यानी कि उनका जो एक बैलेंस बनता है वो बिगड़ जाता है। तो उसका परिणाम भी वही आता है कि आगे चल के वो भी दिक्कत करता है। इसके साथ में जैसे कि मैंने अभी कुछ सिम्टम्स बताए आपको कि ज़्यादा ओवरथिंक करना, इसके साथ में स्ट्रेस लेना, नाइट प्रॉपरली स्लीप नहीं होना, एक्सरसाइज फिजिकल एक्सरसाइज नहीं होना, इस तरह से ये ब्लॉकेज हो जाते हैं। और सारे चक्रा की एक अपने पूरी बॉडी में एक भूमिका रहती है। और चक्रास काम क्या करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है, देखिए पूरी बॉडी में सिस्टम बना हुआ है कि कहाँ से क्या होगा, तो उसके हिसाब से हर एक चक्रे का अपना अपना यूज है, जैसे आप सब जानते ही हो। तो इसमें मैंने पहले बताया जैसे कि अंदर नहीं जाऊँगा, लेकिन उस यूज की वजह से अगर वहाँ पर एनर्जी नहीं पहुँचेगी तो वो चक्रा, वो पॉइंट, वहाँ से वो काम होना या तो बंद हो जाएगा, यानी कि जैसे कहा ना ब्लॉक हो जाएगा, या ब्लॉक भी नहीं होगा तो इम्बैलेंस होगा, या जिस हिसाब से प्रॉपरली होना चाहिए वैसा नहीं होगा। तो हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपने चक्रा को बैलेंस करने के लिए। अब एक सवाल आता है कि इनको बैलेंस करना कैसा है, यानी कि इनको सही करना कैसा है। 95% लोग मैंने बताया, तो उसमें से सोच लो कि आप भी एक हो, अगर आप इनके प्रति सजग हो जाओगे, अवेकन हो जाओगे तो कुछ नुकसान नहीं है, बल्कि अगर कहीं इधर उधर कोई दिक्कत भी चल रही होगी तो भी ठीक हो जाएंगे। सही कैसा करना, अब बड़ा सवाल ये है। तो देखिए सही करने की कई टेक्निक्स रहती हैं, जैसे कि हर एक चक्रा के हिसाब से कुछ मंत्र हैं, उन मंत्रों को आप दोहरा सकते हैं। यूट्यूब पे इंटरनेट में आपको सारे वो मंत्र मिल जाएंगे और हम भी सजेस्ट कर देंगे अगर आप हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से पूछोगे। जो एक हमारी थेरेपी है स्पिरिचुअल काउंसलिंग थेरेपी, मैं आपके जब चक्राओं की स्क्रीनिंग करता हूँ, ओरा देखता हूँ, उसके हिसाब से सजेस्ट भी करता हूँ कि किस पर्सन के लिए कौन सा चक्रा कहाँ पर दिक्कत है और उसको कौन सा यंत्र चाहिए या मंत्र चाहिए, इसके साथ साथ में उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो सब कुछ हम सजेस्ट करते हैं, ऐसा भी है। तो ये सारी चीज़ स्पिरिचुअली जब हम बात करते हैं तो एक दूसरे से लिंक होती है, मजे की बात ये है। अब इसके बाद में अगर मैं दूसरी टेक्निक्स की बात करूँ तो मेडिटेशन है, आप मेडिटेशन में उतर सकते हैं। तो मेडिटेशन का एक अलग अलग तरीका हो सकता है, अलग अलग तरह से आप मेडिटेशन कर सकते हैं, लेकिन कोई भी एक मेडिटेशन करने बैठोगे, यानी कि आप मेडिटेशन का मतलब है एक पीसफुल होने के लिए प्रैक्टिस कर रहे हो, यानी कि अपने आप को शांत करने की प्रैक्टिस कर रहे हो। जब आप अपने आप को शांत करोगे तो देखिए आपकी एंजाइटी भी कम होगी, आपका इधर उधर की ओवर थिंकिंग भी कम होगी, जब मन शांत होगा तो नींद भी अच्छी आएगी, और जब सब कुछ अच्छा होगा तो आप काम करने भी जाओगे, सिकड़ के एक बेड पर एक साइड पर नहीं बैठने की कोशिश करोगे, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप मेडिटेशन भी अप्लाई कर सकते हो। इसके साथ में थर्ड एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं सजेस्ट करता हूँ, क्रिस्टल्स। देखिए हर एक क्रिस्टल्स की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है और उस
प्रॉपर्टी में उसमें एक एनर्जी होती है जो हीलिंग का काम करती है। अब जैसे बहुत सारे अभी रिसेंटली कई क्वेरी आई थी कि मुझे सेवन चक्रा हीलिंग के लिए क्रिस्टल चाहिए, तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है, ऑलरेडी हम ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे मैंने पहले भी बताया। तो क्रिस्टल्स के द्वारा भी हम अपने चक्रों को हील कर सकते हैं। अब जैसे मैं पहले बोलता हूँ, ये ओवरनाइट मैजिकल नहीं होने वाला, यानी कि रात में ही कमाल नहीं हो जाएगा, धीरे धीरे ग्रेजुअली सारी चीज़ें होती हैं। जैसे कि पेड़ लगाओगे तो एक दिन में पूरा बढ़ के तैयार नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे करके वो पेड़ ऊपर बढ़ता रहता और एक दिन फल भी देता। तो इस हिसाब से हमें पैशनेटली इसको प्रैक्टिस करना होता है, और जैसे जैसे आप इसके डे बाई डे प्रैक्टिस करते हो तो एक दिन ये फल देगा, यानी कि जो हमारा पर्पस था इनको बैलेंस करने का वो कंप्लीट होता है। और ये करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि आपको इसको रेगुलरली करना होगा, अपने आप से झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे आपको एक अंदर से इनर पीस और इनर शक्ति तो आएगी, यानी कि जब आप एनर्जी का काम करोगे तो एनर्जी अपना रंग जरूर दिखाएगी। तो एनर्जी जो जिस वजह से ब्लॉकेज थी, जैसे कि नींद नहीं आ पाती, आप एंजाइटी में रहते हो, और एक्सरसाइज करने का या वर्कआउट करने का या कोई ऐसा जो ऑफलाइन काम करते हैं, गेम खेलने का, बस एक कोने में पड़े रहने का जो मन करता है, उससे भी आप हटोगे, अंदर से आपके एनर्जी फ्लो करेगी कि जाओ भाई खेलो, कुछ काम करो, काम धंधा देखो, इस तरह से। तो आप फिर वो नहीं रहोगे एक अवसाद का शिकार, जो एक डिप्रेस रहते हैं ना और परेशान रहते हैं, आप ऐसे नहीं रहोगे। आपका जो एक चेहरे का ऑरा है या ग्लो है वो बताएगा कि आपकी एनर्जी किस तरह की है, और आपकी पर्सनैलिटी दूसरों को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगी। आपको जहाँ चीज़ें गलत हैं वहाँ पे भी सही नज़र आने लगेगा, बल्कि आप गलत की कम बल्कि पॉजिटिव वे में ज़्यादा सोचोगे। और देखिए, जैसे मैंने बताया आपको पहले वीडियो में, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि अगर आपके इम्बैलेंस हैं तो आपने कोई अपराध कर लिया, ये सबके होते हैं, टाइम टू टाइम होते रहते हैं, लेकिन बस इनसे वही बचा रहता जो इनके प्रति डेली या यूँ क्योंकि अक्सर प्रैक्टिस करता रहता है, जो अवेकन है इन सारी चीज़ों को लेकर। अब आप में से जितना मुझे पता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि चक्रा का बिल्कुल भी नहीं पता, बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होगा, तो इसमें घबराने की या अपने आप को पिछला महसूस करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जब पता लगे तभी सवेरा है, आज पता लगा आज से ही काम करना स्टार्ट कर दो, और कम से कम मेडिटेशन तो आप करना स्टार्ट कर ही दो। मेडिटेशन के लिए मैं सबको बोलता हूँ, ये कमर्शलाइज जो ऐड चलते हैं और ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, ऐसे मत चलाओ, वो अपने बस की बात नहीं है, ये सोचो वो बड़ी बात है। आप मेडिटेशन करने के लिए, अब मैं वीडियो आपके सामने बना रहा हूँ, मेरे सामने मोबाइल रखा है, मैं 5 मिनट मोबाइल पे भी कॉन्सेंट्रेट करूँगा तो आप नोटिस करना, धीरे धीरे करके सारे इधर उधर के थॉट कम हो जाएंगे, तो आपका कॉन्सेंट्रेट सिर्फ मोबाइल पर आएगा। हाँ, मोबाइल के अंदर इसका कैमरा कैसा है, इसके डिस्प्ले कैसी है, ये आएगा, लेकिन ये कहना चाहूँगा कि बहुत सारे थॉट को हम स्टॉप कर देंगे, और ये नेचुरली होना चाहिए, इनको ज़बरदस्ती पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आप और फंस जाओगे। तो मेडिटेशन करने का क्या मतलब है, किसी एक चीज़ पर ध्यान लगाओ, उस पर फोकस करो, और वो फोकस जैसे जैसे बढ़ेगा आप इसके अंदर निपुण होते चले जाओगे। इसके बाद में वैरायटी ऑफ मेडिटेशन है, आपको सबको समझ में जाएगा, लेकिन जैसे पहले कहा कि ओवरनाइट एक ही रात में या एक ही दिन में कमाल नहीं होते, हमें ग्रेजुअली इसमें मदद मिलती है या इसके द्वारा सक्सेस मिलती है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करते जाना। क्या जा रहे हैं आपके, हम रील देखते हुए यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे 2-2 घंटे 3-3 घंटे खपा देते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। अगर 5 मिनट कोई भी नहीं, अपना गेट लॉक करो, जहाँ पे भी आप बैठो अपने आप को शांति की मुद्रा में लाओ। ये मत सोचो इससे मेडिटेशन नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, कोई आपकी खिल्ली नहीं उड़ा रहा, कोई आपको हंसी को उसमें निकल, बैठो, अपने आप को फील करने की कोशिश करो कि हाँ मैं बैठी हूँ। और जब आपको पता लगेगा कि पहले बहुत दिक्कतें होंगी, आपको उठने का मन करेगा 2 मिनट भाग भाई क्या हुआ है, लेकिन अपने आप को समझाना है, एक अच्छी अफर्मेशन देनी है, अच्छा मैसेज देना है, धीरे धीरे करें, ग्रेजुअली आपका मन लगने लगेगा। बोलते ना कि डेली आप प्रैक्टिस करते हो तो आप फिर उसी की तरह बनना स्टार्ट कर देते हो, बस हमें करने की ज़रूरत है, स्टार्ट करने की ज़रूरत है, आप स्टार्ट करोगे तो हो जाएगा। इसके साथ में जैसे क्रिस्टल का बताया, तो आप हमें क्रिस्टल्स के लिए, हमारे पास में क्रिस्टल्स हैं 7 चक्रा हीलिंग के लिए, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ये आपकी बहुत हेल्प करेंगे। इसको कैसे यूज करना है, कैसे चार्ज करना है, वो सब मैं आपको बता दूंगा, आपके साथ में वीडियो कॉल पे या ऑडियो कॉल पे, जैसे मैंने पहले बताया, वो सब कुछ मैं आपको समझाऊंगा, कैसे रखना, कहाँ करना, क्या है, सब कुछ मेरा काम है, आप उसकी चिंता छोड़ दीजिए, बस आपको क्या है, एक मन बनाना है कि क्या करना है। अब देखिए,
आपने सारे लोगों को ये कहता हुआ जरूर सुना होगा कि आज की लाइफ ऐसी है और वैसी है, मतलब प्रवचन तो हम सब देंगे या ज्ञान अपना सबको किसी न किसी को देते रहेंगे, लेकिन हम खुद कुछ नहीं करना चाहते। इसमें मैं भी हूँ, आप भी हैं, हम सब हैं। मैं हम सबको लेकर चलता हूँ, किसी एक इक्का दुक्का एग्जाम्पल के लेकर मैं बात नहीं करता। तो हम सभी इसमें, तो हमें ज़रूरत है आज से ही स्टार्ट करने की। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो तो उसी समय से स्टार्ट करो। अभी ये रात में मैं शूट कर रहा हूँ, तो मैं अवॉइड करो कि मेडिटेशन रात में मत करो, एक दिन में करो। इसके पीछे क्या रीज़न है कैसे, तो जानने इतनी ज़रूरी नहीं है। अगर आपको जानना है तो उसके ऊपर हम पर्सनली बात कर सकते हैं। यहाँ पर सब कुछ ये डिस्कस करना मुझे सही नहीं लगता, लेकिन हाँ, दिन में काफ़ी टाइम रहता और सुबह के ब्रह्म मुहूर्त में या सुबह के 5 बजे 4 बजे 6 बजे करो तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि आप शांत उठते हो। लेकिन बहुत सारे लोगों की तो आँखें निकलती तो उनकी तो बात अलग है, लेकिन अगर आप उनमें से कुछ लकी पर्सन में से हो जो आप अपनी आँखें खोल लेते हो और आपके उस पर एक कंट्रोल है अपनी नींद पे, तो बहुत अच्छी बात है, तो आप ऐसा कर सकते हो। इसके साथ में दोस्तों, अगर आपको कोई स्पिरिचुअली प्रॉब्लम आ रही है कि आपको समझ नहीं आ रहा कैसे है, तो देखिए मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ। स्पिरिचुअली लोग परेशान होता है, यानी कि आपकी सोल में अगर हर्ट है, आपकी सोल में घाव बना हुआ है और वो किसी वजह से बना हुआ है, यानी कोई ऐसी घटना घटित हो गई जो आप नहीं चाहते थे और आपके हिसाब से चीज़ें नहीं हुई और आपके हाथ में कुछ भी नहीं, तो ऐसे समय पर आप परेशान रहते हो। तो जो एक अच्छी एनर्जी भी आपके पास में आना चाहती है, तो वो भी आपको इरीटेट करती है। इरीटेट जैसा लगता है, वो नहीं करती, आपको लगता है कि भाई, क्योंकि जिस हिसाब की आज आपकी एनर्जी है, वो एनर्जी नहीं चाहती कि दूसरी एनर्जी आए। यानी कि अगर आप ब्लैक के सामने वाइट रखोगे तो वाइट भी चमकेगा, तो वो ब्लैक वाली एनर्जी नहीं चाहती कि वाइट चमके, कोई ऐसा ही आए जो और ब्लैक करते हैं उसको। तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं बस एक एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कम से कम आपको ये मैसेज ज़रूर देना है कि कैसे भी करके जो भी दिक्कत है इससे मुझे बाहर आना, और ये प्रभु या जिसको भी आप मानते हो उसका नाम लो कि मुझे कोई रास्ता तो दिखा और मुझे इस सबसे बाहर आना। मेरे पीछे अभी कई ऐसे क्लाइंट थे, मैं उनकी बात बताता हूँ। वो काफ़ी टाइम से मुझसे कनेक्ट थे, मुझसे बहुत सारे चैनल देखते हैं, यूट्यूब पे हर तरह की रिकमेंडेशन आती रहती है, तो लेकिन उनकी इच्छा शक्ति नहीं होती थी। लेकिन कभी कभी उनके अंदर एक पॉपअप होती हैं चीज़ें कि नहीं, आज तो मुझे करना ही, उन्होंने करा। उसके बाद में अरे, ये इक्का दुक्का एग्जाम्पल नहीं, मोस्टली लोग ऐसे रहते हैं क्योंकि उनकी इच्छा शक्ति नहीं होती कि हमें कॉन्टैक्ट करना चाहिए, या ये सोचते हैं कि अगला पर्सन हमें कैसा सोचेगा, जस्ट तो नहीं करेगा, क्या ऐसा ही रहेगा, या ज़्यादा फीस होगी, भारी भरकम होगी। तो देखिए, मैं तो ये भी बोलता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें महिलाओं के लिए स्पेशली मैं फ्री में करता हूँ। क्यों करता हूँ, उसके पीछे वजह है, जो कैपेबल है, मैं बोलता भी हूँ, अगर आप कैपेबल हो तो प्लीज़ दे दीजिए, उसमें आप हमारा हक मत मारिए, क्योंकि हमें भी बहुत सारे खर्चे चलाने होते हैं, इंटरनेट है, टीम है, अपने बहुत सारी चीज़ें, इसमें आपको पता है कि एक डे टू डे लाइफ में सर्वाइव करने के लिए, अपने टाइम देने के लिए कितनी सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। लेकिन जिसके पास में नहीं है, जो मजबूर है, क्योंकि देखिए हमारे देश का कल्चर आपको पता ही है, यहाँ पे पुरुष काम करता है, महिला घर पर रहती है, हालांकि चीज़ें बदल रही हैं और बदलनी चाहिए। तो आजकल सब कमा रहे हैं, लेकिन जो नहीं कमा रहे उनके लिए स्टिल मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें मैं फ्री में करता हूँ, आपके काउंसलिंग से लेकर दूसरी बात, जो भी आपके कुछ क्वेश्चन रहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि स्पिरिचुअलिटी की दुनिया में आई एम द ओनली पर्सन जो सबसे ज़्यादा या सबसे ईजी रीच आउट करता है। कई बार मैं, आपने देखा होगा, मैं खुद से फ़ोन पिक कर लेता हूँ, कई बार आपके रिप्लाई भी खुद से करता हूँ। हाँ, देखिए बहुत सारे सेशन चलते हैं तो कई बार नहीं कर पाता, लेकिन मोस्टली मैं कोशिश करता हूँ। आप सारे लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हो तो एक्सपीरियंस करा होगा कि हाँ, सर खुद ही फ़ोन पिक कर लेता, और मेरे अंदर ये सर कहलाने की या अपनी फालतू की इमेज बनाने की आदत नहीं है। मैं हेल्प करना चाहता हूँ, जनरली हेल्प करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है इसके, जब आप ठीक होते हो उसके बाद के आपके जो भाव हैं, वो जो आशीर्वाद मिलता है, वो जो आपके अंदर की एक दुआ मिलती है, उससे ज़्यादा कीमती कुछ हो ही नहीं सकता। आप अपनी कितनी इमेज बना लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पता नहीं आप समझ रहे नहीं समझ रहे, लेकिन हाँ ऐसा है। तो प्लीज़ करके अगर कोई भी दिक्कत है तो उसके लिए सामने आइए, ताकि आपकी वो दिक्कत पर बात कर सके, बात के साथ साथ में उससे आपको बाहर निकाला जा सके। देखिए, ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा तो एक्सपीरियंस होगा, आप ये भी सोच सकते हो। बस तो मैं इसलिए इस पर ज़्यादा वजन देने की कोशिश कर रहा हूँ कि घुट घुट के जीने से अच्छा है कि आइए और अपने इस हिसाब से जीना स्टार्ट कीजिए। तो अभी तक के लिए इतना ही इस वीडियो में, ऑलरेडी 14-15 मिनट हो गए, ये हमने चक्रा पे बात करी थी, तो इसमें मैंने अपनी भी बात कर ली, सारी बात हो गई। थैंक यू सो मच, मिलता हूँ आने वाली वीडियो में, धन्यवाद।
बात करूं, अगर आपकी जर्नी स्पिरिचुअली कहीं ना कहीं अटकी है, आपका कोई डियर वंस जिसको आप प्यार करते थे वो यहाँ से चला गया है, आप परेशान हो, आपको कोई भी समाधान यहाँ पर नहीं दिख रहा, तो देखिए एक हमारी एक थेरेपी है स्पिरिचुअल काउंसलिंग थेरेपी, उसमें 7 से लेकर 8 सेशन होते हैं। उस पूरे सेशन में आप अभी आप अपने डिस्प्ले पर देख रहे होंगे, पूरी मैंने एक एक चीज़ करके बताई है कि ये थेरेपी किसको चाहिए, या पहले सेशन में क्या होगा, दूसरे में क्या होगा, तीसरे में क्या होगा, पूरे 8 सेशन को मैंने डिज़ाइन करके रखा हुआ। ये पूरा 30 से 35 डेज यानी कि 30 से 35 दिन तक ये प्रोग्राम चलता है, और ये प्रोग्राम चलने के साथ में आपका हर चौथे दिन या 5वें दिन आपके ऑरा के हिसाब से, आपके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, आपके कम्फर्ट जोन के हिसाब से हम जो समय रहता है उसको डिसाइड करते हैं, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट मिल सके। और ये थेरेपी बहुत सारे लोग ले रहे हैं, अभी भी आपको इसका एक एग्जांपल या यूं कहूँ कि एक फीडबैक रिसेंटली मिलने वाला है, क्योंकि हम बैक टू बैक में अपने क्लाइंटों के साथ में इसको कर रहा हूँ और बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप भी कहीं स्पिरिचुअली अपनी लाइफ में अटके हुए हैं तो प्लीज़ सामने आइए। अगर आप किसी को मौका नहीं दोगे आपकी हेल्प करने के लिए, तो आपकी हेल्प जो आप तक आने वाली थी शायद वो भी रुक जाएगी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये मैं आपके बेटरमेंट के लिए बात कर रहा हूँ, आपके लाइफ में वैल्यू ऐड करने के लिए बात कर रहा हूँ। सो प्लीज़ कम फॉरवर्ड, और इसका जो भी उपयोग आप ले सकते हो उपयोग लीजिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।